लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ उसको तैरना होगा, वो तो तैर ले रहा है, सब तो नहीं तैर पाएंगे, औरतें तो नहीं तैर पाएंगी, भाई साहब की आंखें डबडबा रही हैं इस स्थिति को कि घर में उनका बर्तन है, घर में सामान है, उधर के पूरा सामान डूब गया। आप क्या करें, पूरा है तो बर्तन तो निकाल कर लेकर देखिए, टायर और लेके बैठे हैं कि ये थोड़ा सा नीचे चले तो तैर ले। इधर आइए आप लोग, इनके खाने की व्यवस्था ये कैसे करते से कि इनकी तो व्यवस्था हो जाता है किसी तरह किस खाने पीने की, लेकिन ये गाय वगैरह है, ये क्या है, इनको चारा दे रहे होंगे कैसे के खा रहे होंगे। आया था उठा कर ये मकली उग गया, तुम्हारा सामान भीग गया। देखिए लड़का लड़वा भर पानी में जानी है, शायद वो थोड़ा तैर रहा होगा। अभी जहाँ तक उसकी क्षमता है, जहाँ तक पानी नहीं है वो नहीं है। देखिए कैमरे देखिए, वो चलता चला जा रहा है, लेकिन स्थिति ऐसी आएगी जहाँ उसको तैरना होगा, तैर ले रहा है, सब तैर पाएंगे, औरतें तो नहीं तैर पाएंगी, भाई साहब की आंखें डबडबा रही हैं इस स्थिति को कि घर में उनका बर्तन घर में सामान है, उधर के उधर सामान गया। आप करे पूरा जो है तो है, तो निकाल भी लेकर हमारा चीज। नमस्कार, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं। हम इस समय डोबिनगढ़ में मौजूद हैं और आप देखिए लोगों के घर डूब गए हैं। बड़ी भयावह स्थिति है, बड़े डर की स्थिति है। हमने कोविड को पहले लहर को कवर किया था, दूसरी लहर को कवर किया था और ये फिर प्राकृतिक आपदा जो पहले भी आई है, लोग बड़े सहमे हुए हैं। बाढ़ का दर्द वही जान सकते हैं जो बाढ़ को सह रहे हों, जो देख रहे हों। हम उन्हीं के जीवानी उन्हीं का हाल जानेंगे और देखेंगे कि किस तरह से वो अपने जो भी उनकी व्यवस्था थी, छोटे घर में रह रहे थे, बड़े घर में रह रहे थे, जितनी उनकी क्षमता थी वो उसमें अपने सपने देख रहे थे। सपना डूबा हुआ है तो वो अब रोड पे हैं, किस तरह से अपनी स्थिति बयां कर रहे हैं और उनसे जानेंगे। तमाम लोग हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं। आपका नाम क्या है? छोटे। छोटे जी, कहाँ आपका घर था? इस बगल में मकान पोल है ना, इसके बगल में सामने है, देखिए हमारे साथ में चल कर कितना पानी है, पूरा बुरा हुआ हुआ है। हमारा टीना का मकान था झोपड़ी का, वो भी डूब गया पूरा। बताइए किधर जाएं हम? सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, सरकार कह रही है, बता रहे मिट्टी का तेल है, अनाज है, प्रशासन आ रही है कि नहीं? आप कुछ नहीं आ रहा है सर। तो प्रधान जी से कहिए, ये रो मतलब ये लग रहा है आँख इनकी डबडबा जाएगी, रोने की स्थिति हुई है। किस हम लोग के कुछ नहीं मिल रहा है, हमारा राशन कार्ड था वो भी कटवा दिए लोग, कुछ नहीं आ रहा है हम लोग को। एक दर्द देख सकते हैं आंखों में झलक रहा है, किस तरह से ये कोविड में तो जॉब छूटी गया था, किसी तरह से ये जी रहे थे, फिर ये समस्या के लिए वीर गए थे, चार दस बार गए थे, वो भी बोले कि नहीं उधर नहीं जाएगी। बताओ मैं हम कैसे पौड़ कर हम हमारी पलवार मेरारू हम सरकार स्टीमर दे रही है, सरकार व्यवस्था करने जा रही है। अरे कर रही है तो अभी जो नाई आया था उसका करने के लिए, मकान डूब गया तुम्हारा सामान भीग गया। देखिए लड़का डूबा भर पानी में जा रहा है, शायद वो थोड़ा तैर रहा होगा, अभी पौरेगा वो तलेगा। जहाँ तक उसकी क्षमता है, जहाँ तक पानी नहीं है, वो देखिए कैमरे देखिए, वो चलता चला जा रहा है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ उसको तैरना होगा, वो तो तैर ले रहा है, सब तो नहीं तैर पाएंगे, औरतें तो नहीं तैर पाएंगी, भाई साहब की आंखें डबडबा रही हैं इस स्थिति को कि घर में उनका बर्तन है, घर में सामान है, उधर के पूरा सामान डूब गया। आप क्या करें, पूरा जो है तो बर्तन तो निकाल कर लेकर बिछाना हमारा सब चीज डूब गया। बताइए खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो रही है? अरे भैया क्यों से पैसा मांग करके कर रहे हैं, अब क्या करें, कर्जा लेकर हैं, आदमी है तो उसके पैसा मांग लेकर खा रहे हैं। आए थे आदमी अधिकारी आए थे, उसके भी किए थे, बोले कहाँ से खा रहे हो भैया, पैसा लिए हैं दूसरे से। देखिए वो लड़का लगभग डूब गया और फिर डूबने की स्थिति में वो तैरना शुरू कर चुका है। जहाँ तक देखिए किस तरह से वो लड़का तैर रहा है, पहले वो चलते हुए गया जहाँ तक पानी में वो चल सकता था, लेकिन जब उसके डूबा भर पानी आ गया तो देखिए लड़का तैरते हुए जा रहा है अपने घर के पास और जो भी घर में सामान रखा हुआ है उसे लेकर आएगा। एक भाई साहब का घर पूरा डूबा हुआ है और ये जो छत है, छत पर चार पाँच घर के लोग रह रहे हैं, किस तरह से बरसात का टेंट वेंट डाल के। बड़ी स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है, खुद हम सहम रहे हैं, हम तो शहरों में हैं, पानी वहाँ तक नहीं है, लेकिन दर्द सबके भीतर है। हम पेपर के माध्यम से हम यहाँ आकर देख रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में दर्द सह रहा है, दर्द है पूरा का पूरा। इधर जितने छोटे मोटे घर, अब देखिए सतीश से कहेंगे वो विजुअल ले, पूरी तरह से कैटरेन का घर डूब चुका है, वहाँ थोड़ा सा हल्का, हाँ ये दिखाएंगे आपसे कि किस तरह से पूरा घर डूब गया है। मैं अक्सर बड़ा तेज़ बोला करता हूँ कैमरे पर, लेकिन आज ये स्थिति देखकर बड़ा मैं 98 की बाढ़ को सुनता था, लोग उस समय बताते थे
हम छोटे थे कि 98 की बाढ़ से क्या स्थिति है इस समय? अभी नरम है उससे साथ। उससे थोड़ा सा कम है अभी। अगर बारिश आई पानी छूट हाँ हाँ तोड़ना हो जाएगा, दो फुट की पानी। इनका कहना है दो, ये देखिए सतीश दिखाइए, ये किसी का घर है, ऐसे हम चलते हैं, ये किसी का घर है, इसमें मार्गदर्शक SSC और UPSC की शायद तैयारी, ये बोर्ड वोर्ड लगाए हुए हैं। काली जी का मंदिर है, लोग यहाँ पूजा। ये भी पूरी तरह से डूब चुका है, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और लोगों के कपड़े, लोगों के घर, अब वो रोड पे रह रहे हैं, क्या बनाते होंगे, क्या खाते होंगे देखेंगे। और बहुत अच्छी देखिए किस तरह से, और एक और बड़ी खूबसूरती है हमारे यहाँ कि लोग जुगाड़ भी बना लेते हैं। ज़रा कैमरे से कहेंगे उनको दिखाइए, नाए हमने उपयोग के लिए ली है, भाई साहब आ रहे थे, उन्होंने टायर का ही उपयोग कर लिया है। और उनको देखिए किस तरह से अपने घर की तरफ जा रहे हैं, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लोगों के घर डूबे हुए हैं, जिनके घर थोड़े ऊँचाई पर हैं, बिना नाए का, बिना किसी जुगाड़ का वो घर में ना सब्जी ले जा सकते हैं। और वो देखिए किस तरह से भाई साहब आपका नाम क्या है? नितेश जी हैं। देखिए किस तरह से जुगाड़ वाली व्यवस्था अपनी बनाए हैं और तैरते हुए अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ विपदा के समय में जुगाड़ भी चलता है। और बड़ी खूबसूरती है हमारे समाज की, एकता भी दिखती है, एक दूसरे की मदद लोग कर रहे हैं, घर तक ले जा रहे हैं। भाई साहब का ही थक गया है हाथ हमें घुमाते, एक पैसे नहीं ले रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। जिनका घर यहाँ था वो रोड से हमें देख रहे हैं, चल के बातचीत करेंगे उनसे, क्या है स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है। पानी, लोगों का ये कहना है जिस तरह से बारिश आई, अब ना आए पानी नेपाल, अब ना छोड़े, क्योंकि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, रिसाव है रोडों पे। तो एक चाची है, उनसे बात कर रहे हैं, आपका घर कहाँ है? ये तो पूरा डूबा हुआ, पानी पानी है। कैसे जाती हैं? नैये से। देखिए ना, तू अरियाफ ले जाएगी तब उतर, अब तक घर सरकार की तरफ से मदद मिल रही है? नहीं। किस तरह से भोजन पानी हो रहा है खाने? अपन कमा के खाए जा, काम करके चौका बर्तन आवत है। तो घर एकदम पानी में कैसे? हाँ, नैया से। तो देखिए बड़ी गजब की, इनकी उम्र लगभग 80 साल के आसपास की है चाची की। तो चाची की उम्र है, आप देखिए किस तरह से लोग नाए पे जा रहे हैं। देखिए टायर वर ले के बैठे हैं कि ये थोड़ा सा नीचे चले तो तैर ले। इधर आइए आइए, आप लोग आइए बातचीत करते हैं। ये सारी चीज़ें देखिए किस तरह से बैठ गया है, और कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे, क्या है स्थिति, आइए। बाढ़ की स्थिति बहुत भयानक है हर जगह से, ये जो अभी कुछ दिनों पहले बना है। हाँ। और ये बैठ रहा है, ये सरकारी और जनता का ये धन है जो बर्बाद हो रहा है बार बार, हर दो महीने पर ये रिपेयर होता है। हम 98 की बाढ़ को सुनते थे, हम छोटे थे, लेकिन इस समय क्या स्थिति है बाढ़ को लेकर? बस उसी तरह की स्थिति बन गई है, चारों तरफ रास्ते बंद हो गए हैं, और लोग देखिए सर घर से अपने निकल के बाहर। आपका नाम क्या है सर? शाहबुद्दीन खान। आपका घर बचा हुआ है क्या? हाँ, हम सड़क पे हैं, हम लोग जन प्रतिनिधि वो भी हैं, प्रधान जी बैठे हैं। प्रधान जी से सबसे बढ़िया बात कर लेते हैं, जनता के चुने हुए प्रधान जी हैं, उनसे जानेंगे क्या स्थिति है डोमिनगढ़ की। सर आपका नाम क्या है? राजदेव यादव। यादव जी आप डोमिनगढ़ यहाँ के प्रधान हैं? जी जी प्रधान। हाँ प्रधान, इस समय की क्या वर्तमान में यहाँ की स्थिति? बड़ी भयावह है, और यहाँ अभी तक सरकार का कोई सुख सुविधा एक ना हम लोग लगवा कर शासन को भेज दिया हूँ, वह काम चल रहा है, लेकिन अभी तक सरकार के तरफ से बाढ़ राहत सामग्री नहीं उपलब्ध हो पाया है। आपने अपने स्तर से क्या मदद की? आप भी तो हम लोग अपने स्तर से, चाहे सड़क पर जो लोग हैं उनको पन्नी है, चाहे जो भी घट रहा है सर सामान दे रहे हैं, डेली सड़क पर घूम कर बाढ़ पीड़ितों से मिला कर सब व्यवस्था करा रहे हैं। 98 की सुनते थे, छोटे थे हम भी, कि 98 इस समय 98 को लेकर 98 से एक फीट पानी कम है। अगर पानी छूटा या जिस तरह से सुबह लोग सहमे हुए थे, बारिश आ रही थी, सब डरे हुए थे, हम भी डरे हुए थे अपने घर से कि बारिश ना आए, खुल जाए। अगर पानी छूटता है या बारिश आती है तो किस तरह की स्थिति, और प्रशासन से आपको किस तरह की मदद चाहिए? प्रशासन से हमारे तरफ व्यवस्था, यहाँ जनता को रहने के लिए, उनको खाने के लिए, आज वर्तमान में यही व्यवस्था है। डोमिनगढ़ की तो आवाज़ आप ही हैं। जी जी तो जी, किस तरह की मदद सरकार से और प्रशासन से चाहिए? सरकार से हम लोगों ने मांग किया है, नाव के लिए नाव दे दिए हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग नाव लगवा कर शासन प्रशासन को, लेखपाल कानगो को अवगत करा दिया हूँ, नावें चल रही हैं। आज एक स्टीमर एक ताल में, वहाँ सिवरिया एक गांव है, हमारे ही गांव का एक टोला है, वहाँ आज एक स्टीमर आकर लगा है,
आने जाने उतरने के लिए सब सुख सुविधा व्यवस्था हो गई है, लेकिन आज व्यवस्था यह करनी है कि जानवरों को खाने के लिए, जानवरों के खाने के लिए जनता को जो बाढ़ राहत सामग्री है वह सरकार उपलब्ध करा देती है तो ठीक है सब कुछ। हमने देखा सब लोग अच्छा, कितने ग्राम यहाँ पर आप कितने ग्राम के प्रधान हैं यहाँ पर? यहाँ 300 तो मतदाता हैं, लगभग 1000 चूल होगा। 3000 मतदाता हैं, 1000 चूल होगा। हमने अभी, मैं नाव से भ्रमण कर रहा था जी, लगभग सबके घर डूबे, सबका घर डूबा, व्यवस्था तो सब लोग करवाइए या लोगों ने खुद मदद? कुछ लोगों ने तो जिनके पास जैसी व्यवस्था थी उन्होंने अपने आप कर लिया है, कुछ लोगों को हम लोगों ने दिया है। अभी फोन कर रहे हैं? हाँ, कुछ लोगों को हम लोगों ने भी दिया है, जिनके पास मान लीजिए नहीं व्यवस्था है, मजदूरा आदमी है, तो 2-4-10 मीटर पन्नी कुन्नी का व्यवस्था कल 20-25 लोगों को हम लोगों ने भी दिया है। कैसे व्यवस्था चल रही है यहाँ पे खाने पीने की? कोई सुविधा नहीं है सर, कोई सुविधा नहीं है। जो इनके पास व्यवस्था है, पन्नी खाले नहीं मिला है, हम लोग अपने पैसे मंगाए हैं, बिखर रख कर मंगाई हूँ। खाना भोजन बच्चे उच्चे कुछ नहीं, बताओ। ये देखिए किस तरह से ये पॉलिथीन इन्होंने लगाया है, बरसाती लगा के व्यवस्था। अगर तेज बारिश आई, हवा भी आ गया तो ये कैसे टिकेगा? बच्चों को भी रखना है, हम लोग सोए नहीं है, पनिक लगा कर हम लोग पकड़ पा, वो बच्चे के लेके हम लोग पकड़ के, अरे बैठे अब है इसको बनाइए। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, किस तरह से ये गाय वगैरह भी हैं, किस तरह से इनके खाने, ये बकरी है, गाय वगैरह भी रोड पे हैं, किस तरह से खाने की व्यवस्था होती होगी? ये तमाम लोग हैं जिनका घर ये ऊपर है, डूबा हुआ है, ऊपर रहने जगह से आके शिफ्ट हुए हैं। कहाँ से? हमारा अपने लोग घर आगे है। तो कैसे खाने पीने की व्यवस्था चल रही है? अरे सर किसी तरह हो ही रहा है, आगे जाए कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ने मिट्टी के तेल फ्री में, राशन फ्री में, प्रधान जी से कहिए, नहीं हो रहा है, जिलाधिकारी महोदय जी को फोन करिए, हम लोग को ये आपकी आवाज़ है, इस पे कहिए। एक नाय लगी हुई है तो पर्सनल 3 आदमी के लिए नाय लगी हुई है, हम लोग कोई नाय नहीं है, पानी लाने में बहुत समस्या है। स्टीमर सरकार ने भिजवाया है, शायद आने वाली है। आया है लेकिन यहाँ कहाँ आया, तो सीढ़ियाँ चला गया है, चला गया उधर में, सीढ़ियाँ चला गया। गायों के लिए ये बनाए जा रहे हैं, इनके खाने की व्यवस्था ये कैसे करते होंगे? इनकी तो व्यवस्था हो जा रही है किसी तरह से खाने पीने की, लेकिन ये गाय वगैरह हैं, ये कैसे इनको चारा दे रहे होंगे, कैसे खिला रहे होंगे? ये बड़ी भयावह स्थिति है। आप देखिए किस तरह से सरकार की मदद आ रही है, लेकिन इनका ये कहना है कि अभी मेरे पास मदद नहीं पहुंच पाई है। आप देखिए किस तरह से पानी दबदबाया हुआ है, चारों तरफ लगा हुआ है, और यहाँ पर देखिए गायों के लिए भी व्यवस्था की गई है, लेकिन ये कैसे खाते होंगे, इनके चारे की व्यवस्था कैसे करते होंगे जब इनके खुद के खाने के लाले पड़े हों? तमाम समस्या है। कैमरा संभालने सतीश, मेरा नाम है शशिभूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं।